दोस्तों आज भी अगर देखा जाए तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में दो दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का कुमार दर्शकों के दिलों में पहले की तरह ही छाया हुआ है, जिन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्मों से नवाजते हुए वो स्टारडम हासिल किया, जिसकी बदौलत आज इन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री का मेगा स्टार कहा जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इनकी सफलता के पीछे बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मनोज कुमार का बहुत बड़ा हाथ रहा है? जी हाँ, मनोज कुमार जो शायद आज ना होते तो आज बॉलीवुड को अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे दिग्गज सुपरस्टार्स ना मिल पाते। तो आखिरकार क्या भूमिका रही है मनोज कुमार की अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की सफलता के पीछे? चलिए जानते हैं इसी सवाल का जवाब। लेकिन इससे पहले बॉलीवुड की इन तीन महान हस्तियों के लिए एक लाइक तो बनता है। शोले मूवी में जय और वीरू की भूमिका निभाने वाले धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ने राम बलराम, अंधा कानून और चुपके चुपके जैसी कई सुपर डुपर हिट फिल्मों में साथ काम करते हुए अपनी इस जोड़ी को बॉलीवुड के मेगा स्टार्स के तौर पर साबित किया, और इसीलिए आज इंडस्ट्री कहीं ना कहीं इनके बिना अधूरी नजर आती है। पर शायद ही कोई जानता होगा कि 50 के दशक से लेकर काफी लंबे समय तक बॉलीवुड में राज करने वाले अभिनेता मनोज कुमार का इनकी कामयाबी के पीछे काफी अहम रोल रहा है, जिन्होंने दो अलग अलग समय पर इन दो मेगा स्टार्स की जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाई। शुरुआत करते हैं अभिनेता धर्मेंद्र से। तो ये बात तो सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र ने साल 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड डेब्यू किया था, लेकिन उस वक्त बॉलीवुड में पहचान हासिल करना कोई आसान बात नहीं थी। पर मनोज कुमार की दोस्ती धर्मेंद्र के साथ उसी वक्त वो रंग लाई जिसने धर्मेंद्र को बॉलीवुड का एक चमकदार सितारा बना दिया। जी हाँ, मनोज कुमार बॉलीवुड इंडस्ट्री के किंग कहे जाते थे, जिन्होंने दो बदन, हनीमून, अपना बना के देखो और वो कौन थी जैसी कई फिल्मों में काम करते हुए खुद को टॉप पर पहुंचाया था, और उस वक्त जिसका भी नाम इनसे जुड़ जाता था वो तो अपने आप में ही मशहूर हो जाया करता था। और उन्हीं में से एक थे धर्मेंद्र, जिनके साथ इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि धर्मेंद्र को मनोज कुमार के साथ शादी, मैदान ए जंग और मेरा नाम जोकर जैसी कई फिल्मों में काम करने का तो मौका मिला ही, साथ ही इनके स्टारडम में भी वो चमक देखी गई जो आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के चारों ओर चमकती है। इसलिए तो आज भी कहा जाता है कि अगर मनोज कुमार ना होते तो शायद धर्मेंद्र जैसा सुपरस्टार बॉलीवुड को ना मिल पाता। लेकिन ये तो रही धर्मेंद्र की बात, पर बात की जाए अमिताभ बच्चन की जिंदगी में मनोज कुमार की अहम भूमिका की, तो आपको बता दें कि जब शुरुआती दिनों में अमिताभ बच्चन की फिल्में लगातार फ्लॉप होती जा रही थी और ये परेशान होकर मुंबई छोड़कर अपने माँ बाप के पास दिल्ली वापस जा रहे थे, तब मनोज कुमार ने अमिताभ बच्चन को रोका और उन्हें अपनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में काम करने का सुनहरा मौका दिया था, जो कि साल 1974 में रिलीज की गई। मनोज कुमार द्वारा मिली अमिताभ बच्चन की ये फिल्म इनके लिए काफी लकी साबित हुई थी, जिससे अमिताभ के करियर को वो मुकाम मिला जिससे ये बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता बन गए, और इसी फिल्म के बाद से ही इनके पीछे सुपर हिट फिल्मों की लाइनें लग गई, जिनमें काम करके आज अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के बिग बी, शहंशाह और महानायक कहे जाते हैं। इसलिए तो जहां मनोज कुमार की बदौलत धर्मेंद्र को हीमन के नाम से जाना गया, तो वही मनोज कुमार की वजह से अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के महानायक बने, जिसकी वजह से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर बॉलीवुड की महान हस्ती मनोज कुमार ना होते तो शायद बॉलीवुड को आज महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन और हीमन यानी कि धर्मेंद्र जैसे दो दिग्गज सुपरस्टार्स ना मिल पाते। तो दोस्तों धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का सुपरस्टार बनाने वाले मनोज कुमार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही बड़े पर्दे से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।